नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में। दोस्तों, हाल ही में लाइब्रेरी संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपको लाइब्रेरियन के अलावा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सैलरी की बात करें तो इसका पे लेवल 10 का रहने वाला है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि यह वैकेंसी आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो जो भी विद्यार्थी लाइब्रेरी या इसके अलावा किसी अन्य पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्टें दी गई हैं। अगर साथ में दोस्तों लाइब्रेरियन पोस्ट की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक पोस्ट दी गई है। यह पोस्ट आपकी सामान्य की है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरियन के अलावा किसी अन्य पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो इस नोटिस का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। साथ में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में आपके पास मास्टर डिग्री हो, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। UGC द्वारा जो नेट की परीक्षा करवाई जाती है वह आपकी क्लियर होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों, अगर आपके PhD वगैरह है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आपको पॉइंट दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किए गए विद्यार्थियों से इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसकी जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। साथ में दोस्तों, फीस की बात करें तो सामान्य कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये शुल्क और वुमेन कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, SC BCA BCA EWS ESM के लिए यहाँ पर आपको 250 रुपये शुल्क रखा गया है। PW कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रखा, वह निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, आपको बता दें कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 21 मार्च 2023 से भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2023। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, आपको बता दें कि अदर स्टेट के लिए यहाँ पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाए, आरक्षण ओनली हरियाणा स्टेट वालों को ही दिया जाएगा। इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह नोटिफिकेशन आपका गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हिसार यानी कि हरियाणा की ओर से जारी किया गया, जिसकी लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2023। ऑनलाइन आवेदन करने का ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही दोस्तों, अगर वैकेंसी संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको लाइब्रेरी संबंधित जानकारी दी जाती है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।